हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिदीप। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ चाइना सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप सभी जानते हैं ये आपका एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैंने आप सभी के साथ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और आपकी इजिप्ट सिविलाइजेशन पे बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाई भी है, पूरा डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने सारा कुछ उसमें समझाया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने उस पर मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है और आप सभी की डिमांड थी कि मैम चाइना सिविलाइजेशन पे भी एक वीडियो लेकर के आइए। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कहीं भी हिस्ट्री के कोई भी टॉपिक हो, चाइना सिविलाइजेशन का आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो चाइना सिविलाइजेशन यानी चीन सभ्यता, जो आपकी एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री की फोर्थ सभ्यता है, ठीक है। ऑलरेडी मेसोपोटामिया, इजिप्ट और हरप्पा सिविलाइजेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम चाइना के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं मेसोपोटामिया और इजिप्ट की। आज हम चाइना पे बात करेंगे कि इस सभ्यता के लोग कौन कहाँ पे जाके बसे, इनके समय पे सोसाइटी कैसी थी, इनके समय पे इनकी इकोनमी, इनका प्रशासन, इनका सारा कुछ जितना भी है डिटेल में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पे नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। ऐसे ही हमारे चैनल पे आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेंगी। लाइक आप सभी की बहुत डिमांड है कि मैम सुमेरियन, असैरियन, बेबीलोनियन, इन सारी सिविलाइजेशंस पे भी वीडियो लेकर के आइए। तो बहुत जल्द आपको ये सारी वीडियोस हमारे चैनल पे देखने को मिलने वाली है। इसलिए आप उस वीडियोस को जब भी अपलोड होगी, नोटिफिकेशन पाने के लिए आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लो। रात के 9:30 बजे 9:30 PM हमारा टाइमिंग है, चैनल पे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक बने रहना। आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट आज इस एक ही वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि चाइना सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग कर रहे हैं या इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि आपकी जो चीन सभ्यता है, आपके इन चारों सिविलाइजेशन में से सबसे आखिरी सभ्यता यही थी। और चाइना की अगर हम बात करें, ये आपकी सबसे पुरानी थी, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। इसकी शुरुआत आप देख सकते हो 1500 ईसा पूर्व के समय पर हुई थी। हमने एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पर आपकी सिविलाइजेशंस बनी, सभ्यताएँ बनी, किस बेस पर बनी, क्योंकि अब आपके जब आप नवपाषाण काल, न्यूलिथिक पीरियड पढ़ करके आ रहे थे, तो हमने एक चीज़ देखी थी कि अब जो लोग हैं वो सेटल होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। सेटल होने का रीज़न क्या था, परमानेंट सेटल होने का सबसे कारण क्या था, आपका एग्रीकल्चर यानी कि खेती। जब से लोगों ने खेती करने की शुरुआत करी तो अब ये था कि लोगों को एक जगह सेटल होना ही पड़ेगा। और आपकी जितनी भी सभ्यताएं हैं, ठीक है, चाहे आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे आपकी हरप्पा की सभ्यता हो, चाहे आपकी इजिप्ट यानी कि मिस्र की सभ्यता हो, या फिर आपकी चाइना की सभ्यता हो, ये चारों सिविलाइजेशंस आपके, इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, मेन इकोनॉमी है जो इनकी, वो थी इनकी एग्रीकल्चर, ठीक है। अब इन सभी को खेती करनी है, उसके लिए इन सभी ने ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पर आपकी लैंड क्या हो, फर्टाइल हो यानी कि उपजाऊ हो। और आप सभी को ये बात पता है कि लैंड वही फर्टाइल होगी जहाँ पर आपकी क्या होगी, रिवर होगी। मैं आपको ऑलरेडी बाकी की वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कौन सी सिविलाइजेशंस के पास कौन सी आपकी रिवर है। लाइक मैंने आपको बताया था मेसोपोटामिया जो है वो आपके यूफ्रेट्स और आपके टिग्रिस रिवर इसके पास थी। हरप्पा का सबको पता है इंदस रिवर यानी कि सिंधु नदी। इजिप्ट का मैंने जब टॉपिक पढ़ाया था तो नाइल यानी कि नील नदी थी। आज हम चाइना की बात करेंगे तो चाइना के लोग आपके हुआंगहू या हुआंग ही, जिसे हम येल्लो रिवर यानी पीली नदी के नाम से भी आप सभी जानते हो, तो ये लोग यहाँ पर आकर सेटल हुए थे, ठीक है। ये नॉर्दर्न चाइना में है अराउंड 1700 BC के अराउंड में। साउथ वाले पार्ट में आप देखोगे येल्डोज इनका रिवर है। तो ओवरऑल अगर आप ये देख रहे हो तो ये चाइना सिविलाइजेशन का, ये मैं आपको ज्योग्राफी बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड हुआ था, क्लियर हुआ। तो अगर हम चाइना की मैंने आपको बात बताई तो चाइना के पास
नॉर्थ रिवर देखोगे तो वो थी आपकी हुआंग हू या फिर हुआंग ही से कहते हैं, जिसे हम येलो रिवर के नाम से आप जानते हो। और दूसरी नदी जो आप देखोगे है वो है आपका यांगेल नदी, जो कि आपको कहाँ पर दक्षिण में देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे आपकी गोबी डेजर्ट की तो किसके, वो है नॉर्थ साइड में, और आपके जो आउटर रेंजेस यानी जो हिमालय है वो है आपके वेस्ट साइड में। यानी जो आपके चारों डायरेक्शन में आपको पता चल गया, जो मैंने अभी आपको बताया, नॉर्थ में जो लोग सेटल हुए उनके पास नदी कौन सी थी, येलो नदी थी, पीली नदी थी। साउथ में आपने देखा येल्डोज नदी थी। ईस्ट और वेस्ट की आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास देखने को मिलता है कि हिमालय जो है वो है आपका वेस्ट में, ठीक है। गोबी रेगिस्तान आपने देखा आपके है उत्तर में। तो ये पूरा ओवरऑल, ये पूरा चाइना की जो सभ्यता है इन सभी के अराउंड यहाँ पे घिरा हुआ है। क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करेंगे तो इससे आपको क्या समझ आया कि नदी ने अक्सर अपना रास्ता यहाँ पे बदल लिया है, जिसके इसके किनारे की बस्तियाँ को बहुत नुकसान और विनाश हुआ है। इस प्रकार जो आपका हुआंग हू है वो चीन का दुख भी था। सोरो ऑफ चाइना अगर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाए तो कौन सी नदी थी हुआंग हू। अब आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर अगर जहाँ भी रिवर है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस जगह पर फ्लड यानी बाढ़ आना कंपलसरी है। साल में एक बार बाढ़ आएगा ही आएगा। तो आप सभी को पता है कि जो सिविलाइजेशंस के डिक्लाइन होने का, ख़त्म होने का जो कारण है उसमें से एक रीज़न ये भी है कि आपका क्या फ्लड आ गया। रिवर है तो उसका फ्लो बहुत हाई रहेगा, जिससे आपकी पूरी सभ्यताएं जो है वो ख़त्म हो सकती हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ें। तो ये पूरा ज्योग्राफी आपको इन शॉर्ट में यहाँ पर जो मैंने आपको ऊपर डिटेल में बताया, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पर आपका जो पूरा प्राचीन चीन है, जो एंशियंट चाइना है, ये आपके थ्री रीजन में आपको देखने को मिलता है। तीन पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका येल्डोज और येल्लो नदी, ठीक है। एक है आपका गोबी और तमलकम डेजर्ट के पास, और एक है आपका हिमालय माउंटेन के पास। तो रिवर, डेजर्ट और माउंटेन, इन सभी के आसपास ये क्या हुआ है, पूरा चाइना जो है घिरा हुआ है। तो आपकी जो दोनों रिवर्स हैं ये के महत्व को कम करना मुश्किल है। लोग ज़्यादातर इन नदियों के किनारे बसे थे और अलग अलग बस्तियों पर अलग अलग राजाओं का शासन था। जैसे कि अब आप ये सोचोगे या कि हमें ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर आपकी इन दोनों नदी में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नदी कौन सी है, या लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर सेटल हुए होंगे, या फिर लोग ज़्यादातर किस नदी से ट्रेड करते होंगे। यहाँ पर कहना मुश्किल है क्योंकि दोनों ही नदी के आसपास आपको लोग देखने को मिलते हैं, और दोनों रिवर के आसपास जब लोग सेटल हुए तो यहाँ पर अलग अलग राजाओं ने रूल किया था, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। क्योंकि आगे अब आप देखोगे आपके चाइना के किंगडम साम्राज्य बनेंगे, बहुत सारी डायनेस्टीज यहाँ पर रूल करने वाली हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले आप लोग देख लो, ये है आपका येल्लो रिवर, जिसे आप वांग ही या हू के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये रही आपकी पीली नदी, येल्डेज नदी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आपका गोबी और तमलकम डेजर्ट और हिमालय माउंटेन आप सभी ने देखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें आप पिक्चर में सारे अच्छे से देख सकते हो, इसीलिए मैंने ये इमेज भी लगाया था कि आप लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना हैज़ लॉट ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट एंड ट्रैक्ट ऑफ जंगल। आपके चीन में देखोगे तो बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलेंगे, जंगल देखने को मिलेंगे, ठीक है, और जो इससे दूसरों से अलग करते हैं। हालांकि इसे पूरी तरह से बंद नहीं किया जाना था कई शताब्दियों के लिए। विशेष रूप से 7 से 14 ईस्वी सन में चीन दुनिया का सबसे उन्नत सभ्यता थी। आपकी जो चाइना है सब पूरे वर्ल्ड की एडवांस सिविलाइजेशन मानी जाती है, ठीक है। आप लोग एक बात जानते हो कि जब यहाँ पर इन लोगों ने खेती की शुरुआत करी थी तो इन सभी ने क्या करा था, आपकी फॉरेस्ट लैंड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, आपकी फार्मिंग लैंड यानी कि एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। क्योंकि अब जंगलों को काट काट कर आपको एग्रीकल्चर का काम करना है तो आपने उसको खेती की ज़मीन में उसमें बदल दिया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं सिर्फ खेती ही होती है, पेस्चर लैंड में भी बदला गया था, ठीक है। पशुपालन के लिए भी अगर आपका काम करना है तो आपने उस फॉरेस्ट लैंड को इसमें भी कन्वर्ट कर दिया था, ये भी एक बात है। वो अलग बात है कि आप लैंड को किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। तो लैंड आप सभी को पता है ये आपका मेन सोर्स है जिससे आपकी इनकम आ रही है, वेल्थ
जो जितने भी पूरे सिविलाइजेशन में जो वेल्थ जितने पैसे वाले धनी लोग बन रहे हैं वो इसी के वजह से। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपकी ये जो रिवर है बहुत अच्छी खासी इनकी बहुत हेल्प कर रही थी, क्योंकि इस नदी के वजह से आपकी जो लैंड है बहुत अच्छी खासी तरीके से फर्टाइल थी। इसी नदियों के थ्रू यहाँ पर आप देखोगे कि ये लोग व्यापार भी करते हैं, ट्रेड भी करते हैं, ठीक है, आप अपना एग्रीकल्चर का काम भी कर रहे हो, तो प्रोडक्शन यानी उत्पादन बहुत अच्छा खासा हो रहा है। तो ट्रेड भी आप सभी को पता है ये कौन से रास्ते से करते थे, सिल्क रूट, ये आप सभी ने पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चाइना में आप सभी जानते हो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपके व्हील यानी गाड़े की जो पहिए हैं इसका इन्वेंशन मेसोपोटामिया में हुआ था, लेकिन चाइना सिविलाइजेशन के टाइम पे मैं अगर बात करूँ तो व्हील का कोई भी सोर्स हमें देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए जो चाइना के जो लोग हैं जो व्हील हैं किससे लेते थे इसका ट्रेड, वो मेसोपोटामिया से करते थे। क्लियर हो गया? तो ये कुछ चीज़ें जो आप सभी को ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी डायनेस्टीज़ की, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि चाइना के लोगों के अब यहाँ पर लोग सेटल हुए तो यहाँ पर बहुत अलग अलग डायनेस्टीज़ आई जिन्होंने यहाँ पर रूल किया, ठीक है। तो चाइना को अब बहुत सारे डायनेस्टीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप देखोगे आपकी आई संग डायनेस्टी, ठीक है, आपकी जो डायनेस्टी, आपकी संग डायनेस्टी, तंग डायनेस्टी, किन डायनेस्टी, जो डायनेस्टी, ये पहली डायनेस्टी थी। देन आपकी दूसरी डायनेस्टी जो डायनेस्टी है, ठीक है, फिर आपकी ये किन डायनेस्टी तीसरे नंबर की है, फिर आपकी हन डायनेस्टी है फोर्थ नंबर पे, फिर तंग डायनेस्टी ने रूल किया, फिर आपके सुई डायनेस्टी ने रूल किया था, फिर आपके सोंग डायनेस्टी ने रूल किया था, ठीक है, फिर आपके युआन डायनेस्टी ने रूल किया, देन आपके मिंग डायनेस्टी ने रूल किया, और जो टेंथ नंबर है वो है आपकी किंग डायनेस्टी। पूरे 10 डायनेस्टीज़ आपको चीन सिविलाइजेशन में देखने को मिलती हैं। इन सभी में अलग अलग समय पे सभी ने रूल करा, और टाइम पीरियड की बात करें तो हर जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, बट चलो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उतना भी नहीं आता, आपको अप्रॉक्सली पता होना चाहिए। तो ये आपको नाम याद होने चाहिए, कई कई आपके एग्ज़ाम में क्या होते हैं कि पूछ लिया जाता है कि पहली डायनेस्टी कौन सी थी, बाद में कौन सी, तो आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पहले आपकी संग डायनेस्टी थी, दूसरी आपकी जो डायनेस्टी थी, थर्ड नंबर की अगर हम बात करें किन डायनेस्टी, देन आपकी ये हन डायनेस्टी, ठीक है, देन उसके बाद आपको याद रखना है टंग डायनेस्टी, फिर सुई डायनेस्टी ने रूल किया था, फिर आपके सोंग डायनेस्टी ने रूल किया, फिर आपके युआन डायनेस्टी ने रूल किया, फिर आपके मिंग डायनेस्टी ने रूल किया, आखिरी में आपके किंग डायनेस्टी ने रूल किया। तो ये सीक्वेंस स्टार्टिंग के तो आपको ओवरऑल पता होना चाहिए, और लास्ट जो डायनेस्टी है वो ये है किंग डायनेस्टी। तो आपको डायनेस्टीज़ भी पता होना चाहिए क्योंकि ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा सकता है कि पहली कौन सी डायनेस्टीज आई थी, बाद में कौन सी। क्लियर हो गया? चलिए आगे अगर हम बढ़ेंगे, फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमें आपके आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक कुछ एविडेंस मिले थे जिसमें हमें ये भी पता चला है कि हमारे चाइना में कुछ राज्य भी हैं, कुछ डायनेस्टीज राजवंश देखने को मिलते हैं। तो ये आपको मैंने जस्ट अभी ऊपर बताई दिया, संग डायनेस्टी, आपका चो या जो डायनेस्टी, ठीक है, चाओ या जो, दोनों में से कुछ भी बोला जाता है, चीन या किन डायनेस्टी, आपका हन डायनेस्टी या फिर आपका तांग डायनेस्टी, ठीक है। ओवरऑल कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इतने इम्पॉर्टेंट है लेकिन आपको सारा डिटेल में उतना नहीं करना, स्टार्टिंग के ही कुछ चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर भी मैंने डायनेस्टीज़ लगाई हुई है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ याद रखना, जो आपकी लास्ट थी डायनेस्टी वो आपको पता होना चाहिए, वो है किंग डायनेस्टी, ठीक है, क्योंकि कुछ भी करते हो तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में किसने रूल किया था और एंडिंग में थे, ये दोनों चीज़ें आपको सारी सभ्यताओं के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आपके संग डायनेस्टी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 1523 से 1027 ईसा पूर्व का इनका टाइम पीरियड है, तो आपकी जो संग है ये सबसे पहली आपकी चाइना की डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देखोगे ऑलमोस्ट 600 ईयर्स विथ 31 किंग्स ओवर 17 जनरेशन। तो इस डायनेस्टीज में ऐसा बोला गया है कि आपके पूरे 600 साल में पूरे कितने लोगों ने, 31 राजाओं ने रूल करा था,
ठीक है, पूरे 600 साल में 31 राजाओं ने रूल किया था, जिसमें से पूरे कितनी जनरेशन आपको देखने को मिलती है, 17 जनरेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 17 पीढ़ियों में 31 राजाओं के साथ लगभग 600 वर्ष तक ये संग डायनेस्टी आपकी चली थी। द चीफ ऑफ द संग ट्राइब, आपका जो तंग, इस्टेब्लिश द संग डायनेस्टी एंड मेड बो, जो आज का प्रेजेंट में कोक्साइल कंट्री एंड सांगडोंग प्रोविंस में, ये इसकी कैपिटल यानी कि राजधानी बनी। तो सांग जनजाति के प्रमुख तांग ने सांग राजवंश की स्थापना की, और बो याद रखना, इसकी कैपिटल या पूछ ली जाए तो वो है आपकी बो। ठीक है, तो इन्होंने अपने इसको क्या बना ली, राजधानी बना लिया था। ये राजवंश आमतौर पर चीन के उत्तर भाग में और पीली नदी के पूर्वी भाग के आसपास स्थित था। तो ये आपको समझ आई, संग डायनेस्टी याद रखना, ये आपके नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है, तो आपको ये बात भी पता है कि चाइना के नॉर्दर्न पार्ट में कौन सी नदी अभी हमने देखी थी, वो है आपकी येल्लो रिवर, यानी कि पीली नदी, यानी कि हुआंगहू या फिर हुआंगही, ये नदी आपको देखने को मिलेगी। तो इस जो ए वाले राजवंश के लोग हैं, इस नदी के थ्रू, इसी के आसपास ये लोग सेटल हुए और इसी के थ्रू अपना व्यापार यानी कि ट्रेड करते थे। ठीक, और इस समय के जो लोग हैं, इस संग डायनेस्टी के जो लोग हैं, ये आपके सूर्य, चंद्रमा, हवा, बारिश और जितने भी आपके और भी नेचुरल सोर्सेज हैं और कुछ और भी आपके छोटे छोटे जितने भी गॉड्स हैं, उन पर इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। इन सभी पे ये लोग मानते थे। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए, सन, मून, विंड, रेन और जितने भी आपके अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, ये संग डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको बताया है। अब आगे बढ़ते हैं, और इससे रिलेटेड अगर मैं इसकी सोसाइटी की बात करूँ, उनका समाज कैसा था, तो ये आप सभी को पता है कि आपको यहाँ पे राजा सबसे टॉप पर होते हैं, किंग, फिर आपको नॉबल्स यानी जो आपके एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, फिर आपके किसान होते हैं, और लास्ट में आपके सर्फ और जो होते हैं स्लेव्स। ठीक है, जो आपके सबसे लोवेस्ट ये होते हैं, और ये सबसे अपर है आपके सोसाइटी में, टॉप पर है, और ये सोसाइटी के सबसे लोअर में। इस टेबल को देखकर, इस पिरामिड को देखकर आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि हमें सोसाइटी में ओवरऑल इनइक्वालिटी नज़र आ ही रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर डिवीज़न किया गया है, इसका मतलब असमानताएं, भेदभाव नज़र आ रही है, ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सांग के यहाँ पे मूल निवासी थे, स्वदेशी नवपाषाण लोगों से बहुत निकटता से जुड़े थे, इसीलिए उनमें से अधिकांश ने खुद को कृषि और पशुपालन के साथ साथ बनाए रखा। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपके जो चाइना के लोग हैं, जो संग डायनेस्टी के लोग हैं, ये एग्रीकल्चर का काम यानी आपके खेती का काम भी उन्होंने करा, और आपके पशुपालन का काम यानी पेस्ट्रोलिज्म का काम भी ये लोग करते थे। ठीक है, ये दोनों आपका टाइम पीरियड आपको पता है, ये नवपाषाण काल यानी कि न्यूलोथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था, और ये मध्य पाषाण काल यानी मीसोलोथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था। स्टोन एज मैंने बहुत अच्छी खासे तरीके से डिटेल में कराया हुआ है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, एंशियंट हिस्ट्री की मेरी प्लेलिस्ट है, उसको ओपन करो, आपको ये सारा कुछ डिटेल में मिल जाएगा, आपको कहीं और पढ़ने और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि संग डायनेस्टी के जो लोग हैं वो खेती भी करते हैं और पशुपालन का काम भी करते हैं। यहाँ के लोगों ने इसको अच्छे खासे तरीके से इसको बनाए रखा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो राजा भी आपको देखने को मिलेगा, इसके ऊपर जो हेड ऑफ प्रिस्ट है, मिलिट्री कमांडर है, ये सभी जो इनकी राजधानी मैंने आपको बताई थी ना, वो कैपिटल, उसका नेतृत्व कौन करता था, एक राजा करता था, जो एक प्रमुख पुजारी, सैन्य कमांडर, ये सब भी होते थे। ठीक, सोशल स्ट्रक्चर मैंने आपको इस टेबल में दिखा दिया, रूलिंग क्लास, आपके नॉबल्स, आपके किसान, पीजेंट, सर्फ और स्लेव्स, ये सारे के सारे जितने भी हैं यहाँ पर रहते थे। तो सोसाइटी में आपको नज़र आ रहा है कौन कौन से तरीके से और कौन कौन से लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, आपके मिलिट्री हुए, आपके क्राफ्टमैन हुए, जितने भी वर्किंग क्लास होती हैं, ये सब यहाँ रहते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखना कि इस समय की जो सोसाइटी है, ठीक है, यहाँ पर जो काम भी करते हैं वो आपके मैन और वुमेन दोनों काम करते थे। ठीक है, मैन जो है वो बाहर काम करते थे, वुमेन जो है ये आपके हाउस होल्ड वर्क का काम करती थी, बच्चों को संभालने के काम भी वुमेन्स का काम होता था।
ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपके जो मैन हैं ये फील्ड में काम करते थे, ये भी आपको सोसाइटी में याद रखना है। चलिए कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग वुडिंग, ठीक है, ये आपके संग डायनेस्टी का सबसे आखिरी लास्ट राजा थे, ये इम्पोर्ट याद रखना। तो उनके राजा का नाम क्या था, किंग वुडिंग, ठीक है, संग डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं। तो ये कि इनके मरने के बाद संग राजवंश का प्रमुख दिन लंबे समय तक नहीं चला, अंत में आंतरिक संघर्ष तेज हो गए और डुकल राज्यों ने विद्रोह कर दिया। अंतिम जो आपका लास्ट संग शासक जो एक निरकुंश था, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुलामों की सेना ने गद्दी से उन्हें उतार दिया गया था। तो आपको पता है कि कोई भी डायनेस्टी की शुरुआत होगी तो उसका ख़त्म भी होगी, एंड भी होगा। तो ये राजा थोड़े वीक थे तो इसके बाद आपकी डायनेस्टी चली नहीं और दूसरे और लोगों ने इन पर अटैक कर दिया, लाइक जो डायनेस्टी या चाओ डायनेस्टी आपको अब देखने को मिलेगा, फिर दूसरी डायनेस्टी आपको इनकी देखने को मिलेगी, ठीक है। डेस्पोटिज्म यानी निरंकुशवाद, आपको पता है कैसे राजा होते हैं जो सिर्फ अपनी मनमानियां करते हैं, अपने चलाते हैं, वो चाहते हैं कि उनके रूल्स रेगुलेशन उनके हिसाबों से सारी चीज़ें हों, सारे काम हों। तो यहाँ पर आप देखोगे संग डायनेस्टी में इस तरीके के राजा आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगी जो डायनेस्टी की, ठीक है, ये दूसरी डायनेस्टी आई, संग डायनेस्टी ख़त्म हो गई, वो वीक राजा थे, उसके बाद वो डायनेस्टी को हमने देखा कि वो डिक्लाइन हो गया। उसका टाइम पीरियड है 1027 से 221 BC, हर जगह थोड़ा अलग अलग टाइम पीरियड है, कहीं ये 256 से ईसा पूर्व भी आपको देखने को मिलेगा, बट अप्रोक्सली इसी के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट है आपका जो डायनेस्टी, चलिए देखते हैं कि इस डायनेस्टी ने क्या क्या काम किए थे, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और स्किप बिल्कुल भी मत करो, एक बार आप इसको देख लोगे तो चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो कि है आपकी दूसरी डायनेस्टी चाओ डायनेस्टी, जब चाओ ने सांग को उखाड़ फेंका तो वे चीन को ऐतिहासिक काल में ले गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, चाओ के आने से इसने क्या करा, अपनी जो संग डायनेस्टी थी उसको ख़त्म कर दिया। दे एक्सटेंडेड चाइनीज रूल बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द संग, दे अडॉप्ट मच ऑफ संग कल्चर। तो याद रखना कि जो आपके चाओ डायनेस्टी आई, इसने ज़्यादातर जो आपके संग के कल्चर थे इसी को अडॉप्ट किया था, ठीक है, और उन्होंने सांग की सीमाओं से परे चीन शासन का विस्तार किया, ठीक है। इन लोगों ने भी, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है, जितनी भी डायनेस्टीज आएंगी, जितने भी रूलर्स आएंगे, ठीक है, जितने भी यहाँ राजा बनेंगे, सबका काम होता है विस्तार करना, यानी कि एक्सपेंशन करना, यानी एक्सटेंड करना, ठीक है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, ये काम इन सभी का होता है। क्लियर हो गया। वास्तव में अगर आप देखोगे तो अधिकांश जाओ डायनेस्टी जैसे किसान थे, लेकिन वे सांस्कृतिक रूप से कांस्य और घोड़ों से खींचे जाने वाले रथों के स्वामी भी थे। तो जाओ डायनेस्टी को ऐसा माना जाता है कि ये फार्मर्स के साथ साथ, जैसे आपके संग डायनेस्टी में किसान, आपके हर सोसाइटी में सारे तरीके के लोग आपको देखने को मिलते हैं, उस तरीके से ब्रोंज और हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, ये इसके भी स्वामी थे। ये सारी सिविलाइजेशन जो आप पढ़ रहे हो, हमें पता है ये आपका कौन सा टाइम होता है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन यानी कांस्य युग होता है, ठीक है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि ब्रोंज एज की भी आपको वीडियो मिल जाएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री में चेक करना, जहाँ पे मैंने ब्रोंज एज, जिसके अंदर आप ये चारों सभ्यताओं के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, यहाँ पर क्या कैसे होता है वो ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में बताया है, स्टार्टिंग से देखना चाहो तो देख सकते हो। फिर रोड्स बनाई, कैनाल्स बनाए गए इन लोगों ने, क्योंकि अब आप देखो, क्योंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, तो आप लोगों को आपकी रोड्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जो ट्रेड करोगे वो ज़मीन के द्वारा भी और आप समुद्र के द्वारा भी करोगे, बाय लैंड और बाय सी, ठीक है, तो आपकी रोड भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये इन्होंने क्या करे, और आपके रोड्स बनवाए, आपके कैनाल्स नहरें बनवाए, क्यों, क्योंकि आपकी लैंड, आप एग्रीकल्चर फील्ड है आपका, तो वो लैंड फर्टाइल होनी चाहिए, तो उसकी सिंचाई की यानी इरिगेशन भी करना पड़ेगा, तो वो हम हमेशा नेचर पे तो डिपेंड नहीं रह सकते कि बारिश होगी तो हमारा लैंड फर्टाइल होगा, पानी मिलेगा, नहीं, आपको कुछ आर्टिफिशियल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इन लोगों ने कैनाल्स यानी कि नहरें भी बनवाई, ठीक है, ताकि वो अपनी चीज़ों को इम्पोर्ट कर सके, सामान जो है आयात करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे आप देखोगे कि जाओ ने अपने पूरे नए क्षेत्र पे सीधे शासन नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपेक्षाकृत या विश्वसनीय मित्रों को भेजा था।
ठीक है, ये जो प्रतिनिधि अपने आप में शक्तिशाली बन गए, उनमें से कुछ जो सम्राटों के शासन ही शक्तिशाली हो गए। तो यहाँ पे जो आप देखोगे ये पावरफुल थे, ठीक है, इनके खुद के राइट्स थे। और यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा का पूरा जो जितने भी आपके ये जो आपके एम्परर्स हैं, सम्राट हैं, उतने ही ज़्यादा ये पावरफुल माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस दूसरी डायनेस्टी की अगर हम बात करेंगे, इन्होंने भी अच्छा खासा एक्सपेंशन किया, अच्छे खासे काम भी करे, रोड्स बनवाए, कैनाल्स बनाए थे, क्लियर हो गया। चलिए, और अगर हम इससे रिलेटेड यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखोगे तो जो ये आपके जो के राजा हैं, द किंग ऑफ द जो गेव ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ द रॉयल फैमिली एंड टू द अदर हु हैड डेमोन्स्ट्रेटेड देयर टैलेंट एंड लॉयलिटी। तो यहाँ पर आप इनके राजाओं को देखोगे जिन्होंने अपनी प्रतिभा और वफादारी का प्रदर्शन भी किया था। तो यहाँ के जो लोग होते थे वो कैसे थे, बहुत ही लॉयल होते थे और टैलेंटेड भी थे, ठीक है। उस समय के जो राजा थे वो कौन थे, आपके लैंडलॉर्ड यानी कि आपके जमींदार, ठीक है, आपके सुप्रीम रिलीजियस लीडर, आपके जो धार्मिक नेता का सर्वोच्च में सबसे हाईएस्ट प्रिस्ट, वो आपके पॉलिटिकल लीडर यानी कि आपके राजनीतिक नेता, ये सारे के सारे उस समय के क्या थे, किंग थे, ठीक है। और अगर आप देखोगे आपके मंत्री, आपके अधिकारी, आपके सिविल कर्मचारी, आपके टैक्स कलेक्टर, ये और भी आपके अन्य जैसे नए करियर यहाँ पे अब डेवलप हुए, क्योंकि अब आप सोसाइटी में देखोगे तो ये सारे लोग भी आने लगे, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने वाले मिनिस्टर्स, ऑफिशियल, सिविल वर्कर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें बताई थी, जब आपका इतना बड़ा एम्पायर होता जाएगा, आप अपने एम्पायर का विस्तार करते रहोगे, तो आपको अब अपना प्रशासन यानी कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो आप अलग अलग लोगों को अलग अलग कामों के लिए अपॉइंट करोगे, ठीक है, क्योंकि अकेला राजा तो यहाँ हर एक चीज़ हैंडल नहीं कर सकता। तो इन्होंने भी ये सारी चीज़ें की, तो अब आप सोसाइटी में देखोगे और नए नए लोग आएंगे, नए नए अलग अलग काम के लिए, जो ने अपने साथ अपने अधिकार, अपने धर्म भी लेकर के आए थे। उन्होंने मानव बलि पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि आप सभी जानते हो ह्यूमन सेक्रीफाइसेस हमारे पुराने स्टोन से या पढ़ते हुए आ रहे हो कि ये लोग बलिदान में सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो जो जब आया तो जो डायनेस्टी के जो ये लोग हैं, इन लोगों ने आपकी ह्यूमन सेक्रीफाइसेस पे बैन लगा दिया कि बलिदान नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सब बेवकूफ़ी है, इससे कुछ नहीं होता है, तो ये काम ना करें। उन्होंने स्वर्ग के पंथ का अभ्यास किया, सूर्य और तारों की पूजा की, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। कुछ लोकप्रिय सांग देवता इस प्रणाली के शामिल भी हो गए। तो यहाँ पर चीज़ों को अच्छी लगी, तो यहाँ पर ह्यूमन सेक्रीफाइसेस को बैन करके इन लोगों ने शन की और आपके स्टार्स की पूजा यानी वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया। ओवरऑल आपको पता है कि स्टार्टिंग में नेचर सबसे पहले आप देखोगे तो आप नेचर की ही वर्शिप करते थे, ठीक है, चाहे उसमें आपका सन हुआ, आपके मून हुए, ठीक है, आपका स्काई हुआ, अर्थ हुआ, स्टार हुआ, ये सब, ठीक है, जिसमें आपके प्लांट भी होते हैं, ठीक है, बहुत पेड़ों की भी पूजा की जाती है, आपके जानवर एनिमल्स भी होते हैं जिसमें आप कैटल्स यानी कि काउ, ये सब की ये लोग पूजा करते हैं, वर्शिप की जाती है, ये आपको याद रखना है। फिर अगर हम बात करेंगे 771 ईसा पूर्व में जो राजा विद्रोही राजाओं द्वारा पराजित हुए और मारे गए थे, तो अब बारी आएगी कि ये सभ्यता यानी ये जो डायनेस्टी जो है ये वाला राजवंश भी अब ख़त्म होगा, ठीक है, तभी तो आपका नेक्स्ट आएगा। तो ये इस वजह से ख़त्म होता है, इसको ये किंग डायनेस्टी के जो राजा हैं ये हरा देते हैं। फिर आपकी तीसरे नंबर की डायनेस्टी आती है जो कि है किन डायनेस्टी। तो किन डायनेस्टी 221 ईसा पूर्व में अब ये सत्ता संभालती है, ये चाइना पे रूल करती है, जो कि आपके पश्चिमी राज्यों में से एक थे, जो युद्धरत राजाओं की अवधि के दौरान अस्तित्व में थे। उन्होंने पहली बार चीन को एकीकृत करते हुए अन्य युद्धरत राज्यों पर विजय प्राप्त किया था। तो ये पहले ऐसे हैं जिन्होंने आपके पूरे वॉरिंग स्टेट को अपने चाइना पर फर्स्ट टाइम यहाँ पे इन्होंने कॉन्कर कर लिया था, वो किन डायनेस्टी थी, ठीक है। किन ने भी बहुत सारे आप देखोगे चेंजेस करे थे, ठीक है, और यहाँ पर आपके सब लोग यहाँ पर क्या हुए, इकट्ठे हुए और अपने पूरे प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन का काम में इन सभी ने एक दूसरे की हेल्प की थी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ भी काम आपको प्रशासन चलाना है तो आपको एक दूसरे की मदद करनी होगी और सारा कुछ तभी आप सारा कुछ सेंट्रलाइज तरीके से होगा, ठीक है, केंद्रीकरण तरीके से तभी होता है।
फिर अगर हम बात करेंगे किन ने सरकार के एक कानूनी रूप को लागू किया था, जिस तरह से पूर्व किन क्षेत्र को शासित किया गया था, क्षेत्र को 36 कमांडरियों में विभाजित किया गया था जो कि जो तब देशों में विभाजित थे। यहाँ पर आप किन देखोगे, इन्होंने आपके गवर्नमेंट लीगल फॉर्म के गवर्नमेंट को लागू किया था, ठीक है, जहाँ पर पूरी टेरिटरी को आपकी किन डायनेस्टी ही संभालेगी, पूरे एरिया को इसने पूरे 36 में कमांडर्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया था, ठीक है। फिर अगर हम आगे इससे आप और भी चीज़ें देखोगे तो यहाँ पर जब इसमें आपके सिविल गवर्नर्स, आपके मिलिट्री कमांडर्स, आपके इंपीरियल इंस्पेक्टर यानी कि शाही निरीक्षक, ये सब थे इसके अंदर। आपके जो कमांडर्स के अंदर आते हैं, कौन कौन आता है आपके कमांडर्स में, सिविल गवर्नर आते हैं, मिलिट्री कमांडर, इंपीरियल इंस्पेक्टर, ये सब आपके कमांडर्स होते हैं, ठीक है। सरकार के कानूनी रूप में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक इनाम और दंड शामिल थे। आपको एक चीज़ पता है कि आप कोई भी काम करोगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट आई है, सरकार आई है, तो आप अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड भी मिलेगा, कुछ गलत करोगे तो पनिशमेंट भी मिलता है। जैसे कि अब एडमिनिस्ट्रेशन संभालोगे तो आपका लेजिस्लेटिव, आपका एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशियरी, ये सारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, पूरा प्रशासन संभालने का काम किसका होता है, जो डायनेस्टी में जो रूल करेगा उस समय का जो राजा होता है, ये सारी पावर इन्हीं लोगों के हाथों में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जुडिशियर है, अब जज है, आप सिविल कोर्ट देखोगे, क्रिमिनल कोर्ट होता है, तो यहाँ पर इंसाफ मिला जाता है। तो अगर आप कुछ गलत करोगे तो यहाँ पर आप पे फाइन भी लगाया जाएगा, ठीक है, आपको जुर्माना भी भरना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे। इसके अलावा आप देखोगे राज्य का लोगों पर पूर्ण नियंत्रण था और पूर्व कुलीनों ने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी थी। तो अब आप देखोगे पूरा जो कंट्रोल है लोगों के हाथों में आ गया, क्योंकि आपको पता सरकार बन जाती है तो पावर लोगों के हाथों में आ जाती है, नहीं तो अब तक सिर्फ जो आपके एरिस्टोक्रेट्स हैं, आपके जो नॉबल्स हैं, ठीक है, ये लोग रूल करते हैं। तो जहाँ पर आपके पुअर पीपल बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठा पाते और वो एक्सप्लॉयट यानी उनका शोषण होता ही रहता है, और इस वजह से उनके हालात आप देखोगे ख़राब थे। बट किन डायनेस्टी का टाइम आया, गवर्नमेंट बनी, तो अब क्या है, गवर्नमेंट यानी लॉ, कानून बनेगा, और कानून बनेगा तो वो हर एक इंसान के लिए बराबर होता है, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, इससे कोई भी मतलब नहीं, ठीक है। फिर आप देखोगे कि आपके किन डायनेस्टी की बात करें, जो पहला सम्राट की यहाँ पर डेथ होने के बाद कुछ समय बाद जो आपका पूरा किन डायनेस्टी जो है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो सिंग हुआन डी, अब ये नेक्स्ट आएगा, ने केवल 37 वर्षों तक शासन किया था। जब 210 ईसा पूर्व में उनकी अचानक डेथ यानी मृत्यु हो गई थी, उनके बेटे ने दूसरे सम्राट के रूप में गद्दी संभाली थी, लेकिन जल्दी ही उन्हें भी उखाड़ फेंका था। 206 में फिर हन डायनेस्टी आई। देखो अब आपकी किंग डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट रूल आएगी सी हुआंग डी, ये डायनेस्टी आती है, ये राजवंश आता है, ये रूल करता है, लेकिन ये भी ज़्यादा समय तक रूल नहीं कर पाता, ये भी इसको भी ख़त्म करने के बाद फिर आपकी जो नेक्स्ट डायनेस्टी आएगी वो आएगी आपकी हन डायनेस्टी, ठीक है। फिर ये राजवंश आता है और ये रूल करता है, क्योंकि कोई भी बीच में आपको पता है कोई भी वीक पड़ा तो सामने वाला बस ये देखता है कि सामने कोई ऐसा हो जो वीक हो और हम उसको हटा के हम कब रूल करने आ जाए, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट अब आप देखेंगे कि सी हुआंग डी के हम देखने वाले हैं, ये नेक्स्ट डायनेस्टी है जो रूल करेंगे। आइए चलिए इसके बारे में भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे आपके यिंग जेंग नाम के किंग सी हुआंग डी बनने और सम्राट बनने से पहले युद्धरत राज्यों की अवधि के दौरान किन के राजा झेंग थे, तो यहाँ पर आपको याद रखना इस डायनेस्टी के सबसे पहले जो राजा थे किंग झेंग के वो कौन था, ये आपको याद रखना। सबसे पहला राजा हिन जेंग ये राजा बना था इस डायनेस्टी का, ठीक है। उन्होंने चीन को इकट्ठा करके और खुद को किन राजवंश का पहला सम्राट घोषित कर दिया था, ठीक है। इन्होंने अपने आप को चाइना का सबसे पहला राजा यहाँ पर सी हुआंग डी इसीलिए इसको बोला गया। तो ये किन डायनेस्टी का आप देखोगे सबसे पहला राजा ये बना था, क्योंकि वह पूरे देश पर शासन करने वाला पहला चाइना का आपका रूलर यानी कि शासक था। उसने 246 से 210 ईसा पूर्व तक शासन किया था, ठीक है। 246 से 210 बीसी तक इसने आप देखोगे रूल किया था। फिर आपके हुआंग डी एक बार 8 दिग्गज राजाओं
जिसमें से 3 हुआंग के थे और 5 डी के थे, 3 हुआंग्स थे और 5 आपके डी थे, के लिए रक्षित शीर्षक थे। इसीलिए हुआन डी शब्द को नियोजित करके यिंग जेंग ने संकेत किया कि वह संयुक्त 8 महान राजाओं से भी बड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या कि आपके जितने भी 8 लीजेंडरी किंग है इससे भी बड़ा था ये। ठीक है, उनका मानना था कि उनका परिवार हमेशा के लिए चीन पर शासन करेगा और इसके लिए वे चाहते थे कि उसके उत्तराधिकारी को चीन का सम्राट का खिताब दिया जाए। आपका जो ये है कौन, इसका मानना था किसका, सी हुआंग डी का। इसका मानना था कि ये अब ओवरऑल पूरा चाइना पे लंबे समय तक इसका उसका परिवार रूल करने वाला है। तो ये चाहता था कि इसको किस चीज़ का टाइटल यानी मिले, एम्परर ऑफ चाइना सेकेंड का और एम्परर ऑफ चाइना थर्ड का, चीन का सम्राट का उपाधि इसको मिले, ऐसा ये चाहता था। ठीक है, फिर लेकिन इसकी भी सडनली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। इसके लिए उन्होंने 2 उच्च यानी हाई ऑफिसर्स अधिकारों से इसका लाभ उठाया। उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को मारने के लिए सम्राट के आदेश पर को जाली बना दिया और फिर उन्होंने कठपुतली सम्राट बनने के लिए अपने दूसरे बेटे को चुना। सब कुछ ठीक चला उसके, लेकिन उसके अलावा आप देखोगे विद्रोही को दबाने के लिए सक्षम नहीं थे। जल्दी किन राजवंश का भी पतन हो गया, तो किंग डायनेस्टी आपका कोलैप्स होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि फिर यहाँ पर ये चली नहीं क्योंकि इनको भी मार दिया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि जियान के पास टेराकोटा सेना के साथ हव को दफनाया गया था, लेकिन उनके शरीर की खोज अभी भी बाकी है। ठीक है, तो ये थी ये वाला डायनेस्टी, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना आपको एग्जाम में नहीं आता, लेकिन ओवरऑल जस्ट एक आपको व्यूज का पता होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आप देखोगे वो है आपकी हन डायनेस्टी, जो आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है और आपको इसको लिखना भी चाहिए। हन डायनेस्टी की अगर हम बात करें 206 से 220 का टाइम पीरियड है ये, BC और AD का। बस आप डिफरेंस थोड़ा यहाँ पे देख लेना ईसा पूर्व और इसी में। ठीक है, तो ईसा पूर्व और ईस्वी का इनका टाइम पीरियड है जब आपकी हन डायनेस्टी ने यहाँ रूल किया था। तो हन डायनेस्टी जातीय समूह का एक इतिहास चीन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था। हन चीनी अपने पूर्वज का पता वैजिए में लगाते थे, जो कि लोग उत्तर चीनी में पीली नदी के किनारे रहते थे। तो हन डायनेस्टी के लोग भी आपको समझ आया, नॉर्दर्न चाइना यानी कि येलो नदी इनके पास है, ये भी इस नदी के थ्रू आपके सारे काम करते थे। तो 400 साल तक ये राजवंश आपका चला था। ठीक है, इसने पूरे यहाँ पर रूल करा था और आपके हान डायन साम्राज्य देखोगे 206 ईसा पूर्व में ये शुरू हुआ था, जब हान के राजकुमार लियु पेंग ने वेई की घाटी में किन सेना को हराया था। ठीक है, तो किन आर्मी को इन्होंने हराया, लियु पांग को, और फिर अपनी डायनेस्टी खड़ी कर दी। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा ना, तो उसको हराकर और अपनी डायनेस्टी खड़ी करी और हार के एक बड़े विद्रोह का हिस्सा जो पहले सम्राट की मृत्यु के बाद ही शुरू हुआ था। और अब आप देखोगे कि लोग जो हैं आपके जितने भी किन लीडर थे, जो किन के नेताएं थे, उसके अत्याचारों से और उनकी सरकार के कानून से बिल्कुल भी क्या थे, डिससेटिस्फाइड थे, असंतुष्ट थे। ठीक है, जितने भी किन डायनेस्टी ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे, कुछ भी बनाया था, उससे वो लोग खुश नहीं थे। ठीक है, फिर महान सैन्य विस्तार की अवधि हुई। इसका विस्तार वियतनाम और कोरिया की सीमाओं पर परे हुए, इसके विस्तार के आंतरिक एशिया के लोगों के यहाँ व्यापार भी हुआ। इसके बाद सिल्क रोड का विकास हुआ। अब आप देखोगे यहीं से आपके सिल्क रोड का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, आपके कोरिया के साथ, आपके वियतनाम के साथ, इन सब के साथ अब आप देखोगे कि ये लोग अब ट्रेड करते हैं। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके एशिया के लोगों के साथ भी ये लोग व्यापार करना शुरू करते हैं और यहीं से सिल्क रोड डेवलप होता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा था सिल्क रोड के थ्रू ही अपना व्यापार करते हैं इस रास्ते के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हन डायनेस्टी के, और क्या देखोगे कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये यात्रा सुरक्षित थी, सेना ने उत्तरी वियतनाम और उत्तर कोरिया के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया। अभी आपने देखा तो इन्होंने नॉर्थ वियतनाम और नॉर्थ कोरिया पे, इसे कुछ पार्ट पे, इसकी कुछ जगहों पर इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, ताकि ये सेफ रहे, क्योंकि आपको पता है कि जब ये लोग ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, तो जब ये बाय समुद्र के रास्ते जाते तो कोई भी इन पे हमला कर देता था। ठीक है, लूटपाट के पर्पज से, तो यहाँ पर आपको सेफ भी होना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा, अपना कंट्रोल बना लिया था। ठीक है, मार्ग के साथ गैर चीनी लोगों के साथ शांति सुनिश्चित करने के लिए श्रद्धांजलि के लिए एक पारस्परिक व्यवस्था स्थापित की गई। गैर चीनी लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से स्वीकार कर लिया कि चीन श्रेष्ठ थे और उन्हें श्रद्धांजलि दें। बदले में चीन ने उन्हें उपहार और संबंध
दिए जो शासक वर्ग के अंतर्व्यहारियों द्वारा संस्कृति को मजबूत करते थे। तो अब आप देखोगे कि हान की जो पूरी सफलता है, उनका जो पूरा सक्सेस है, उनकी जो पूरे वंश थे, ठीक है, 400 साल तक ये जारी रही। पॉपुलेशन देखोगे आपकी बढ़ती गई, तो उस हिसाब से जब पॉपुलेशन बढ़ेगी लोग काम भी करेंगे, उनकी संपत्ति भी आप देखोगे, वेल्थ भी उनकी इंक्रीज होती गई, और उनकी सहयोगी जितने भी दुश्मन थे वो भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप सामने वाले से लड़ते भी तो जा रहे हो। तो हान ने अपने समाज का नियंत्रण खो दिया था। तो एट द एंड देखोगे हान ने अपने जो कंट्रोल है सोसाइटी से वो खो दिया था। तो 220 में राजवंश का ये डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया। इस काल को कलह का युग भी कहा जाता है, एरा ऑफ डिसयूनिटी। तो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, एरा ऑफ यूनिटी कौन सी डायनेस्टी को कहा जाता है, वो है आपकी हन डायनेस्टी, ठीक है। तो यहाँ पर सभी अपना कंट्रोल खो देते हैं, बीच में कोई भी वीक पड़ जाता है, तो चीज़ें आपकी हो जाती है खराब, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। एक आपके डाउट एंड क्वेरी के लिए है, और एक आपको पीडीएफ के लिए, या चैनल पे जब भी वीडियोज आती है उसका लिंक वहाँ पर आपको अपलोड किया जाएगा। तो दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डाउट कोई भी डाउट क्वेरी हो किसी भी बेस से रिगार्डिंग, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, आपके सारी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। और जितने भी हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है हिस्ट्री के लिए पेड क्लासेस के लिए, तो आप लोग इनरोलमेंट करा सकते हैं। पेड क्लासेस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री से रिलेटेड आप चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहे सेमेस्टर की वाइज प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आप चाहे कोई और एग्ज़ाम की हिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आप क्लासेस लेना चाहते हो, चाहे आप इग्नू के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप किसी भी स्टूडेंट हो, हिस्ट्री अगर आपका पास सब्जेक्ट है और आप हिस्ट्री के लिए क्लासेस लेना चाहते हैं, जहाँ पर मैं आपको एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो आप लोग इसको करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं सेपरेटली, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, बाकी की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ले सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें ये सब कुछ डिटेल में कराऊँ, क्योंकि यूट्यूब पर मैं इतनी वीडियोस नहीं लेकर आ पाती हूँ, या उतनी चीज़ें मैं नहीं करा पाती। आप लोगों की इतने रिकमेंडेशन थे, इतने मैसेजेस थे कि चाइना सिविलाइजेशन पे वीडियो, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। बाकी की अगर आप चाहते हैं कि आप लोग सब कुछ डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग पेड क्लासेस ले सकते हो, जहाँ पर मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में कराऊंगी, और पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिलेगी, जिसकी वजह से फिर आपको कहीं और जाने की, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी अपडेट, तो टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा हिस्ट्री एडू पॉइंट, आप जो भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हो उस सबको मुझे वहाँ फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, चाहे आप टेलीग्राम पर हो, चाहे आप इंस्टा पे हो, ठीक है, या व्हाट्सअप नंबर भी मैंने आपको दे रखा है, कहीं पर भी मैसेज के थ्रू बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक शेयर करते रहना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूरे चाइना के ये जितनी भी डायनेस्टीज थी, संग डायनेस्टी, जो डायनेस्टी, किन डायनेस्टी और हन डायनेस्टी, इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है कि इन लोगों ने क्या क्या दिया है, क्या क्या किया है, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए एक एक करके थोड़ा सा इन शॉर्ट में अब मैं आपको बताती हूँ, वो जो मैंने आपको ऊपर कहा वो थोड़ा डिटेल में था, अब इन शॉर्ट में देख लो, कहानी यही समझ आ जाएगी। सांग डायनेस्टी, सांग राजवंश देखोगे, राइटिंग सिस्टम, लेखन प्रणाली इन्होंने दी थी, सेरेमिक प्रोडक्शन, सेरेमिक उत्पादन इनके द्वारा दिया गया, ब्रोंज ऑब्जेक्ट, कांस्य की वस्तुएं इनके द्वारा दी गई, हाई क्वालिटी का सिल्क फैब्रिक, उच्च गुणवत्ता वाले रेशमी कपड़े सांग राजवंश के समय पर आपको देखने को मिलता है। सांग लोगों ने चिकित्सा यानी कि आपके मेडिसिन, गणित यानी कि मैथमेटिक्स, परिवहन यानी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपके खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी, ये सब ही महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिलेगी। इस संग डायनेस्टी के दौरान आपके ओरेकल स्क्रिप्ट का उपयोग भी करके कछुए के खोल और जानवरों की हड्डियों पर महत्वपूर्ण घटनाएं भी दर्ज की गई, जो लिखी संचार का एक सबसे पुराना ज्ञात चीनी रूप है, ठीक है। तो आपके चाइना फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन सबसे पुराना क्या है, ओरेकल स्क्रिप्ट, तो याद रखना ये स्क्रिप्ट कौन सी आपको देखने को मिलती है, ओरेकल स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये अपनी सारे रिकॉर्ड किसमें बनाते थे, आपके टॉर्टोइस शेल पे, आपके एनिमल्स के बोन्स पे, और इन्होंने उसके लिए ओरेकल स्क्रिप्ट यूज़ किया था। जैसे मैंने मेसोपोटामिया पढ़ाया था तो हमने देखा था क्यूनिफॉर्म राइटिंग इन्होंने यूज़ किया था, इजिप्ट मैंने आपको कराया था तो मैंने आपको बताया था हेरोग्लिफ्स,
इन्होंने राइटिंग यूज़ किया था, ठीक है। और ये अपनी सारी चीज़ें टॉर्टोइस शेल पे लिखते थे, ठीक है। और इन्होंने कौन सी अपनी स्क्रिप्ट यूज़ की थी, ओरेकल स्क्रिप्ट चाइना के लोगों ने यूज़ की थी। क्लियर हो गया। चलिए ज़ो डायनेस्टी की बात करती हूँ। इसने मेमोरेबल कुछ पोट्री और फ्रोज दिए थे, कुछ यादगार कविताएं और गद्य दिए थे। फुल रिकॉर्ड ऑफ डेली एक्टिविटी, दैनिक गतिविधियों का पूरा रिकॉर्ड जितना भी है वो हमें इस डायनेस्टी के थ्रू कंट्रीब्यूट हुआ। चाइना की एस्ट्रोनॉमी, चाइना की ज्योतिष पूरा जो भी देखोगे, हॉर्स ड्रॉन चैरियट घोड़ा रथ जो खींचा हुआ है ये इनके टाइम पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके आयरन का डेवलप हुआ, टूल्स जो है आपके जो औजार है उपकरण जो बने थे वो लोहे के थे। और आपको पता है एग्रीकल्चर खेती करने के लिए आयरन से अच्छा टूल, आयरन से अच्छा उपकरण कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके किन डायनेस्टी की, चीन की जो महान ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, याद रखना ये किन डायनेस्टी के समय का है, ये इनका बेस्ट सबसे ओल्डेस्ट मैप मॉन्यूमेंट में से एक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। करेंसी बिकेम स्टैंडर्डाइज, आपकी जो मुद्रा मानकता कृत हो गई थी, स्टैंडर्डाइज ऑफ द लैंग्वेज एंड राइटिंग एंड ओवरऑल चाइना, तो पूरे चाइना में आपके भाषा में और आपके लेखन का मानकीकरण स्टैंडर्ड हो चुका था। सी हु हुआंग डी के समय पर म्यूजियम और टेराकोटा आर्मी आपको देखने को मिलती, जो मैंने आपको ऊपर अभी कराया ही था, ठीक। चलो हन डायनेस्टी के द्वारा आपको तीन चीज़, पेपर का इन्वेंशन, सभी को ये चीज़ पता है कि चाइना ने आपके पेपर का या कागज़ का इन्वेंशन आविष्कार किया था, लेकिन कौन सी डायनेस्टी के समय पर, हन डायनेस्टी के। सिल्क रोड यहाँ पे जो ट्रेड हुआ स्टार्ट, हन डायनेस्टी। कंपास का आविष्कार हुआ, हन डायनेस्टी। MCQs के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं नहीं बताया जाएगा इतना सारा कुछ डिटेल में। इतना ओवरऑल सबको पता होता है कि चाइना के समय पे पेपर का इन्वेंशन हुआ, सिल्क रोड के थ्रू ये लोग ट्रेड करते थे, कंपास हुआ, लेकिन कौन सी डायनेस्टी के समय पर किसने कौन सी चीज़ दी थी, इसलिए सेपरेटली मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। मैंने आप सभी के लिए इतने अच्छे तरीके से यहाँ नोट्स रेडी किया, आप लोग देख सकते हो कि आपको डिटेल में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आप चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिटेल में लिखा है ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आए, आपको कहीं और से करने की ज़रूरत ना हो। इंग्लिश में हो तो आप लोग हिंदी में भी थोड़ा पढ़ सकते हैं, कैसे आपको अपने नोट्स बनाने, ठीक है। तो आप चाहे ऑब्जेक्टिव या आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए वीडियो हेल्पफुल है। तो जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए और खूब वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मैं ऐसे ही आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिलती रहेंगी। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसी तरीके से आगे भी अच्छे तरीके से समझा सकूं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है ये सब चीज़ों को डिटेल में करने में, कि आप सबको मैं ईजिली से करा सकूं। वरना मैं भी आपको सिर्फ ये चार पॉइंट लिखकर पूरे चाइना सिविलाइजेशन पढ़ा सकती थी, बट मुझको ये कि आप लोग अपने नोट्स भी प्रिपेयर करो, क्योंकि आप मेरी ये वीडियोस मुझे पता है हर एक तरीके के बच्चे देखते हैं, ठीक है। चाहे वो ऑब्जेक्टिव के लिए देखते हो, चाहे अपना सब्जेक्टिव के लिए, तो आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत से ऐसा तो कि वर्ल्ड हिस्ट्री सबकी वीक होती है और सब कोशिश करते हैं कि हमें एक ऐसा कुछ मिल जाए जो हम डिटेल में एक बार में सारी चीज़ समझ आ जाए और हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको पूरी चीज़ें एक ही वीडियो में डिटेल में करा सकूं, इसीलिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूं। और दोनों में यहां पर आप देखोगे नोट्स भी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपका काम बन जाएगा। अगर आप इस चैनल इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादातर वीडियो को लाइक शेयर करना है, तो इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों का इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा रहा, आपने लाइक शेयर अच्छे किए, तो मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन समझ आ गया, तो याद रखना कौन सी डायनेस्टी राजवंश के थ्रू हमें कौन सी चीज़ें मिली थी। अब आगे बढ़ते हैं, सोसाइटी देख लेते हैं, आपके पूरे समाज चाइना का कैसा था उसकी बात कर लेते हैं। सांग और आपका जो राजवंश के दौरान हमने क्या देखा था कि पूरा समाज जो है वो मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित था। अभी देखा था हमने कि चाइना की सोसाइटी आपके दो क्लासेस में डिवाइडेड है। पहला है आपका नोबल्स जो कि वॉरियर्स होते हैं, और दूसरा आपका पीजेंट जो कल्टिवेटेड करते हैं, उसी नोबल्स की ज़मीन पर काम करते हैं, किसान होते हैं, और ये आपके रईस लोग। दो तरीके के लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं सोसाइटी में रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि चाइना के जो लोग हैं ये सब लोग बहुत ही अच्छे खासे तरीके से रहते हैं, सब
घनिष्ठ आपका इनका परिवार है, फैमिली है। और मैंने आपको बताया मैन और वुमेन ये दोनों ही मिलकर काम करते हैं, ठीक है। वुमेन जो है ये बच्चों को संभालने और घर के काम सारा कुछ ये देखती है, और यहाँ पर ये लोग सिल्क बनाने का काम भी करते हैं, ठीक है। जो आदमी है, जो मैन है, ये फील्ड में जाकर के काम करते हैं, खेतों में जाकर के काम करते हैं, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया ही, ठीक है। अब बढ़ते हैं इनकी ऑक्यूपेशन की तरफ। तो ऑक्यूपेशन यानी कि इनका व्यवसाय क्या है, इनका व्यवसाय देखेंगे तो एग्रीकल्चर मैंने आपको बताया, खेती इनका सबसे पहला काम है, ठीक है। इरिगेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, सिंचाई भी करोगे तो 500 ईसा पूर्व के समय पर इन लोगों ने कैनाल्स बनवाए थे ताकि ये फील्ड में पानी दे सकें। 400 BCE में देखोगे तो चाइना के लोगों ने ऑक्सीड्रॉन को यूज़ करा, क्यों, आपके जो प्लो बनाने के लिए इनके पास जो हल था वो लकड़ी का था, तो खेती के लिए इनको कौन खींचेगा, उसके लिए उन्होंने ऑक्स का यूज़ करा, बैल का यूज़ करा, ताकि ये उस हल को खींच सकें और अपने खेत को जोत सके। फिर जब खेतों को जोता तो लोगों ने फसल भी उगाई, तो राइस थे, मिलेट्स थे, वीट थे, चावल, बाजरा और गेहूँ ये लोगों ने उगाना शुरू करा। चाइना के लोग जो है इन्होंने जानवर को पालतू बनाया, सिर्फ एग्रीकल्चर के काम के लिए नहीं, ट्रांसपोर्ट के लिए भी और फूड के लिए भी, खेती करने के लिए भी बना ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आपके गुड्स को कैरी करना है, ढोना भी तो है, आपके सामान को इधर से उधर पहुंचाना भी है, फूड यानी उनको खाने के लिए भी, क्योंकि ये सब पता है मीट्स खाते हैं, तो एनिमल को, इन सारे पर्पस के लिए इन लोगों ने जानवर को पालतू बनाया था। क्लियर हो गया। चलिए बात कर लेते हैं व्यापार यानी कि ट्रेड की। अब ये लोग व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, मैंने आपको बताया कौन से रास्ते से, सिल्क रूट से। सिल्क रूट का जो तीन मेन ब्रांचेज हैं वो कौन कौन सी है, पहला था नॉर्थ का जो कि है ब्लैक सी, काला सागर, और आपको पता है दूसरा सेंट्रल वन जो देखोगे पर्शिया था, और दूसरा मेडिटेरियन सी था। थर्ड जो रास्ता देखोगे वो साउदर्न वन जो अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ और आपके भारत यानी इंडिया के साथ का था, ठीक है। अब चाइना ने जो बेचना शुरू करा वो था रेशम यानी कि सिल्क, आपको पता है कितनी महंगी होती है, चीनी मिट्टी यानी सेरेमिक, फर आपके जेड, ब्रोंज यानी कि कांस्य के ऑब्जेक्ट, लाख, चाय, कागज, लोहा, ये सारे इन्होंने दूसरे दूसरे कंट्रीज को बेचा, जबकि उसने उससे इसके बदले में सोना लिया, हाथी लिया, हाथी के दांत लिए थे, कीमती पत्थर और कांच खरीदे थे, ठीक है। तो चाइना के लोगों का यहाँ पर आपको क्या समझ आया कि चाइना के लोगों ने और दूसरे देशों के साथ ये सारा कुछ उन्हें प्रोवाइड करा, ठीक है, उसके बदले में उसने उससे सोना, हाथी के दांत और प्रीशियस स्टोन, ग्लास, ये सारी चीज़ें ली, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो बाटा सिस्टम के थ्रू हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे तो पेपर का इन्वेंशन भी हो चुका है, जब पेपर आ गया तो अब करेंसी भी आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ट्रेड क्या, हम ट्रेड करते कि जो हमारे पास चीज़ें नहीं वो उसके पास है, तो इस तरीके से हम एक दूसरे से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। मेटल कॉइन का यहाँ पे एज अ करेंसी यूज़ किया गया था व्यापार करने के लिए, ठीक है। चलिए ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, जो यहाँ पर अभी देखा आपने हॉर्स ड्रॉन चैरियोट का यूज़ किया गया था, आपके स्टिरिप का यूज़ किया गया था, आपके प्लानकिन जो कैरिज, ठीक है, जो बंद गाड़ी होती है जिसमें आपके जो मैन हैं वो उसको ढोते हैं, रकाब का आविष्कार हुआ था, ये याद रखना, पालकी जिसको आप कहते हो, घोड़ा चालित रथ आप देखोगे इसका एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया गया था, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। चलिए बात कर लेते हैं कि इनकी राइटिंग कैसी थी, बाकी इनकी इकोनॉमी आप लोग समझ गए, इसका ऑक्यूपेशन आप लोग समझ गए, इसका ट्रेड आप लोग समझ गए। राइटिंग की बात कर लेते हैं कि इन सभी ने राइटिंग, इनका लेखन, इसी आप जितनी भी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको पता कहाँ से चलता है। चलिए स्टार्टिंग में देखोगे कि चाइना के लोगों ने अपने प्रत्येक शब्द को एक चित्र के साथ दर्शाया था, समय के साथ इन चित्रों के प्रतीकों का रसी सरलीकृत किया गया। देखो यहाँ पर आप इनकी चीज़ें देखो तो स्टार्टिंग में इन्होंने अपने पिक्चर्स, अपने वर्ड्स इस या सिंबल्स, इन सब के थ्रू अपनी चीज़ों को बताया था, ठीक है। इनकी चाइना की स्क्रिप्ट भी आप देखोगे वो इसको हम पढ़ते थे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे इसको पढ़ा जाता था। तो याद रखना चाइना की स्क्रिप्ट जो पढ़ी जाती है वो टॉप से बॉटम की तरफ पढ़ी जाती है। कैलीग्राफी आप सभी को पता है, जिसे सुलेख यानी सुंदर लिखावट की, उस कला का भी अभ्यास किया जाता था, ठीक है। कैलीग्राफी राइटिंग आप सभी ने देखी है, तो ये लोग इस समय इस राइटिंग को भी प्रैक्टिस करते रहते थे। शुरुआत में देखोगे तो चाइना के लोगों ने आपके फाइन पेंट ब्रश को यूज़ करा था, ठीक है। बांसुरी के आकार के एक बांस के टुकड़े को इन्होंने लिया था, पर लिखने के लिए एक महीन
पेंट ब्रश का इस्तेमाल इन्होंने यूज किया था स्टार्टिंग में चाइना के लोगों ने। ठीक है, ये प्रथा आपके लंबे समय तक चलती रही जब तक कि कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि देखो बाद में पेपर का इन्वेंशन हुआ जब हन डायनेस्टी आई, लेकिन उससे पहले भी इतनी डायनेस्टी थी, तब क्या कर रहे थे, तब इन्होंने क्या करा था, आपके फ्लूट शेप की जो बैम्बो थी ना उस पर पेंट ब्रश का यूज़ करके तब ये सारे काम करते थे। पेपर का इन्वेंशन जब हुआ तब हुआ, लेकिन उससे पहले भी तो हमें एविडेंस मिले हैं कि हाँ किस किस ने रूल किया, किस तरीके से किया, कहाँ तक एक्सपेंशन किया। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो तो इसका मतलब हमें उसके भी एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बता देती हूँ, यहाँ पे बता देती हूँ। चलो कुछ चीज़ें हैं, वैसे तो एंड हो गया लेकिन अभी भी एंड नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि मैम ने रिलीजन यानी कौन से धर्म को ये फॉलो करते थे ये तो बताया ही नहीं। तो चलिए ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूँ कि आपके चाइना के जो लोग हैं ये कौन से धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है, तो देखो नेचर को तो ये मानते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। धर्म आपका जो नेचर है, ठीक है, प्रकृति, इसकी ये पूजा करते थे। दूसरा आपके इनके जो एंसेस्टर जो पूर्वज होते थे इनकी भी ये पूजा करते थे, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूँ स्पिरिट, ये इसकी भी पूजा करते थे, ये इनकी सुपर नेचुरल पावर आप देखोगे ये भी आपको देखने को मिलते हैं। और अगर इनके रिलीजन की बात करूँ तो आपने अच्छे खासे नाम भी सुने हैं, लाइक मैं सबसे पहले बात करूँगी आपके कन्फ्यूशियस, या फिर इसको आप बोल सकते हो कन्फ्यूशियनिज्म, है ना। अब ये क्या चीज़ होती है या ये कौन थे, तो देखो ये जो अगर आप देखोगे ये आपका एक ग्रेट फिलोसोफर है चाइना का, ठीक है। ये यहाँ पर रहने आए थे आपके छठी शताब्दी ईसा पूर्व के टाइम पर, ठीक है। और ये जब यहाँ पे ये फिलोसोफर आए तो इनकी जो चाइना की जो लाइफ है, इनकी जो थॉट है, बहुत अलग थे। इन्होंने अपने कुछ विचार दिए, कुछ सोच दी, ठीक है, कि कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब लोगों को बताया, ठीक है। और ये आप देखोगे कन्फ्यूशियनिज्म, ये आपके पूरे चाइना का एक ये स्टेट रिलीजन बन चुका था। ये जब आपके पूरे हन डायनेस्टी जब रूल कर रही थी तब तक आपके इस समय के लोगों ने इस धर्म को फॉलो करा था, ठीक है। 206 BC से लेकर के 220 ECV तक इन लोगों ने इस वाले धर्म को फॉलो किया था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि जो लोग इस धर्म को, चाइना के लोग जब तक इस धर्म को, इस रिलीजन को मान रहे थे, जहाँ पर इस फिलोसोफर के कुछ थॉट हैं जिसमें चाइना की पूरी लाइफ और थॉट क्या थे, जो आपके हन डायनेस्टी तक के समय पर, इससे पहले जितने भी डायनेस्टी मैंने आपको कराई, वो सारे लोग इसी को फॉलो करते थे, इसके हिसाब से चल रहे थे। अब अगर हम बात करते हैं कि वो बताते क्या, ठीक है, आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पहला पॉइंट है आपका शो पीपल रेस्पेक्ट, इन्होंने क्या दिखाया कि लोगों की क्या करनी है, रेस्पेक्ट करनी है, ठीक है। अगर आप लोगों की रिस्पेक्ट करोगे एंड दे विल रिस्पेक्ट यू, अगर आप लोगों की रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ये इन्होंने बात बोली थी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इन्होंने बोला था बी अर्नेस्ट एंड यू विल अचीव ग्रेट थिंग, फिर आपके इसमें इन्होंने क्या बोला कि आप ईमानदार बने रहो तो तुम्हें भी क्या हो गया, आप महान महान चीज़ें क्या करोगे, अचीव करोगे, हासिल करोगे, ऐसा आपके इन फिलोसोफर का कहना है, क्लियर हो गया। अब बात करेंगे इनके थर्ड पॉइंट की, और ये क्या कहना चाहते हैं, बी सिंसियर, क्या रहो, सिंसियर रहो तो आप, यू विल हैव देयर ट्रस्ट। तो समझ आ रहा है, इन्होंने क्या कहा, सिंसियर बने रहो, ईमानदार बने रहो तो आप लोगों का क्या रहेगा, आप पे भरोसा बना रहेगा, ठीक है। और लास्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या बोला, बी जेन्युरस, जेन्युइन बने रहो तो एंड तब आप लोगों का दिल जीत सकते हो, यू विल विन देयर हार्ट, ठीक है। एक होता है ना कोई रिलीजन आता है तो सबकी कोई ना कोई बातें होती है, सब कोई ना कोई टीचिंग सबकी रहती ही रहती है। तो ये आपके कन्फ्यूजनम की समय की बात है, जो आपके हन डायनेस्टी के पहले जितनी भी डायनेस्टी थी, इस समय के लोगों ने, आपके चाइना के लोगों ने इस धर्म को फॉलो किया था, क्लियर हो गया।
पूरे चाइना के लोगों ने ये फॉलो किया था। जैसे ही मैंने आपको रोमन एम्पायर कराया था, तो रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म आने से पहले जो वहाँ रूल कर रहे थे वो यहूदी यानी जुडाइज्म थे। ऐसे इसी तरीके से भी यहाँ पर आप देखोगे कि पहला रिलीजन चाइना का ये था। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे रिलीजन की बात कर लेते हैं, वो है आपका बुद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म भी इन लोगों को ये लोग फॉलो करते हैं, ये बात आप सभी जानते हो। तो हन डायनेस्टी जब एंड हुई थी आपकी 3rd century BC के अराउंड, तो उसके बाद चाइना में बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज़्म आया। लोगों ने हन डायनेस्टी जैसे आपकी ख़त्म हुई ना, उसके बाद लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू करा और बहुत सारी आप देखोगे मोनास्ट्रीज़ बनाई गई। ठीक है, तो लोगों ने यहाँ की एक आपका ये बहुत अब लोग यहाँ यात्रा करने लगे, लोगों का एक पिलग्रिमेज एक यात्रा बन गया। और आप सभी जानते हो कि चाइना के कुछ ट्रैवलर्स भी थे, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे इस बौद्ध धर्म से, और ये सारे भारत भी आए थे ये, ठीक है। सभी ने नाम सुना है फाहान, ठीक है, आपके जुआनजांग, ठीक है, आपके ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं हुआनजांग, ठीक है, और आपके आयसिंग। तो ये सारे के सारे भारत भी आए थे कि, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। किसके बारे में? चाइना के रिलीजन के बारे में भी मैंने आपको यहाँ बता दिया। आशा करती हूँ आपको ये चीज़ें अच्छी खासे तरीके से समझ आ रही हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आएगा तो इसको अच्छे खासे तरीके से लिख भी लेना आप लोग, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको बी फ्रेंकली पढ़ाऊँ और डिटेल में सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकें, ठीक है। अगर आप चलो आर्ट एंड क्राफ्ट की भी बात देख लो कि इस समय का कला इनकी आर्किटेक्चर कैसा था चाइना सिविलाइजेशन के समय पर, तो यहाँ पर आपको पता है कि इस समय के लोगों ने मेटल का यूज़ करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और ये आपका जो हम पढ़ते हैं ये ब्रोंज है, आपका ब्रोंज एज कांस्य युग है, तो इस समय के लोगों ने बहुत सारे आपके ब्रोंज के चीज़ों से बनाना शुरू कर दिया कांस्य का, ठीक है। आयरन भी अब एट द एंड आने लगा, तो इन्होंने लोहे का स्वेट्स आपकी तलवार बनाई। आयरन के प्लो अब आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे, क्या बनाए आपके हल बनाए, ठीक है। बहुत सारे ज्वेलरीज भी बनाने इन्होंने शुरू करी, ठीक है, लाइक ग्रीन जेड ये आ चुका था, ठीक है। बहुत सुंदर सुंदर इनके पास आपको देखने को मिलेंगे, पत्थर भी थे जिस तरीके से इन लोगों ने यूज़ करा, आपके प्रीशियस स्टोन थे और इन्होंने ज्वेलरीज बनानी शुरू कर दी थी। क्लियर हो गया। और फिर अगर हम बात करें आपके इन्हीं के समय पर किसके, जब चाइना सिविलाइजेशन हुआ इसके समय पर, याद रखना गन पाउडर का आविष्कार भी इन लोगों ने किया था, डिस्कवरी ऑफ गन पाउडर। कब हुआ था? अराउंडली 850 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, गन पाउडर का यूज इन्होंने, आपको समझ आ ही रहा है कब किया होगा, वॉर में, युद्ध के समय पर, ठीक है। वो युद्ध के समय पर इन्होंने आपके गन पाउडर का यहाँ आविष्कार हुआ था, और फिर ये लोग इसको यूज़ करते थे। एक होता है ना वॉर के समय पर भी कर रहे हो, और एक सेलिब्रेशन के लिए जब जीत जाते हैं तो एक फायरिंग करते हैं उसके लिए भी आप देखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने यूज़ करा था। अगर नेक्स्ट में अचीवमेंट की बात करूँ कि इन लोगों ने क्या क्या चाइना के लोगों ने अचीव किया था, तो यहाँ पर आप देखोगे आपके, अभी मैंने आपको बताया कंपास आ चुका है, ठीक है, और इस समय एस्ट्रोनॉमर्स जो थे वो सब कुछ जानते थे कि वो आपका सोलर और लूनर इक्लिप्स ये क्या होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इन सब के बारे में ये लोग आपके जानते थे। चाइना का कैलेंडर भी इसके हिसाब से यहाँ बनाया गया था, तो इसके हिसाब से यहाँ पर आपका जो मून है पूरे मंथ में कम से कम, तो इनके हिसाब से पूरे 29 और 30 यानी 29 और 30 डेज आपके महीने में होते हैं, ठीक है। ओवरऑल पूरा पूरे साल में 365 डेज होते थे इनके कैलेंडर के हिसाब से आप देखोगे। और चाइना के समय पर ये लोग ऑलरेडी जानते थे कि आपके पूरी जो डेट ये लोग फिक्स करते थे उसमें आपकी समर यानी गर्मी भी पड़ेगी, विंटर का टाइम भी आएगा, ठीक है, आपका स्प्रिंग का टाइम भी आएगा, आपके ऑटम का भी टाइम आएगा, इन सब के बारे में नॉलेज थी। इस समय का अचीव आप देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छे खासे तरीके से आपने देखा कि चाइना ने बहुत अच्छी खासी चीज़ें अचीव करी, बहुत कुछ यहाँ पर आपको बताया। चलिए अगर हमें नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो इसकी आर्किटेक्चर, ठीक है, पोइट्री भी आपको देखने को मिलेगी कि इस समय का पोइट्री कैसा था। बर्तन भी बनेंगे क्योंकि अब भाई काम कर रहे हो, बर्तन बना रहे हो, क्योंकि स्टोरेज के लिए कुकिंग के लिए आप यूज़ तो करोगे।
आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे एक फिलोसोफर थे चाइना के जिनका नाम था ताऊ एंड कॉन्फ्यूशियस, जो मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया, ठीक है। यहाँ पर चाइना का एक आर्किटेक्चर था जिसे बोला गया था पगोदा, सबने सुना होगा, क्या बोला था, पगोदा, जो कि कुछ इस तरीके से नज़र आता है, ठीक है। पगोदा ये बिल्ट हुआ था, ये क्या होता है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि ये चीज़ क्या थी, ये बिल्ट करवाया गया था बुद्धिस्ट के टाइम पर। बाकी का आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये चीज़ क्या थी। ये पहला आर्किटेक्चर हो गया पगोदा। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यहाँ पे इन लोगों ने बिल्ट किया, आप देखते ही हो, अच्छा खासा आपके जो रूलर्स हैं इन्होंने इस वॉल को एक्सटेंड किया था, ग्रेट वॉल, इसको आप जानते ही हो। उसके बाद अगर हम बात करें इस आपके इस समय के जो बर्तन बनाए गए, पोएट्री यानी जो इस समय बर्तन भी बनाए गए थे, ठीक है, तो इस समय के जो बर्तन बनाए गए उसको क्या बोला गया था, पोरी क्लेन, ठीक है, लिख लो। इस समय जो बर्तन बनाए गए उसको क्या बोला गया था, बर्तन को बोला गया था पोर्सिलेन, ठीक है, पोर्सिलेन बनाया गया था। और ये किससे बनाया जाता था, एक तरीके का आपका ये क्ले था, उस क्ले का नाम था कैयोलिन, इस चिकनी मिट्टी से ये बनता था, ठीक है। और फिर इसको आग से, इस क्ले को हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि आपको पता है चिकनी मिट्टी टूट सकती है, उससे अच्छे से, क्योंकि आग का आविष्कार तो पहले हो ही चुका है, इसको अच्छी खासे तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाते थे ताकि ये टूटे ना पूरे। और फिर देखोगे, फिर इसको सजाया गया, डेकोरेट किया गया अच्छे खासे तरीके से, ये आप देखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आई। नाउ एट द एंड आपका ये चाइना सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हुआ, इसका पतन कैसा हुआ, ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो चाइना सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये आपकी बहुत सारी डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया, आपने देखा, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ एक के बाद बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ, विवाद देखने को आपको मिलते ही हैं, सब एक दूसरे से लड़ी रहे थे और एक के बाद एक कोलैप्स होता भी गया, ठीक है। एंशिएंट सिविलाइजेशन या आज तक आपका कंटिन्यू है, इन चल ही रहा है प्रेजेंट टाइम तक देखोगे। चाइना सिविलाइजेशन ऐसा नहीं कि ये सडनली डिक्लाइन हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये चलता रहा। और रीज़न आप देखे रहो, इतने सारी डायनेस्टीज आई, बहुत लंबे समय तक रूल करा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक चाइना सिविलाइजेशन का। आशा करती हूँ स्टूडेंट आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने इस एक ही वीडियो में चाइना के बारे में सारा कुछ बताने की पूरी कोशिश करी है। तो फाइनली आज आपके ब्रोंज सिविलाइजेशन का मैंने आपको मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, मैंने आपको इजिप्ट का, मिस्र की सभ्यता, आपकी चाइना की सभ्यता और आपके हरप्पा की भी ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। ये चारों टॉपिक्स आपके किसके होते हैं, एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री के। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के एंशिएंट में सिर्फ ये चार टॉपिक ही आते हैं बस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आप लोगों ने इसको पूरा डिटेल में करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो सारा कुछ डिटेल में मैंने आपको करा दिया है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा हिस्ट्री एड पॉइंट, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट और क्वेरी आप मुझे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों ज्वाइन करना, डाउट एंड क्वेरी और PDF के लिए भी, ठीक है। और जो भी सोशल मीडिया, कोई भी ईमेल आईडी, ये मेरा मेल, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं siddhi2020@gmail.com। तो आप जहाँ भी हैं, क्योंकि हर कोई पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सा सोशल मीडिया यूज़ करता है, तो आप अपनी डाउट क्वेरी वहाँ पूछ सकते हैं। आगे भी बहुत सी वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि सुमेरियन, बेबीलोनियन, असेरियन, अकैडियन, ये सारे पे मैं वीडियो लेके आऊँ, पर्शियन, रोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर। अगर आप चाहते हो ये सारी वीडियोस हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम देखना चाहते हो, रात के 9:30 PM ये हमारा टाइमिंग है, इस समय आपको हमारे चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी, लिंक आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कर दो,
वो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ, जैसे आपने मेसोपोटामिया इजिप्ट को बहुत प्यार दिखाया, खूब सपोर्ट करा। आपके लिए ही मैं इसलिए चाइना सिविलाइजेशन लेके आई। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए वो लाना चाहूँगी। तो और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताना आप ये वीडियो कौन से एग्ज़ाम के लिए देख रहे हो, आप किस एग्ज़ाम के लिए आप ये चाइना सिविलाइजेशन का टॉपिक देख रहे थे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए छोटे आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।